नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान काफी जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आदेशित किया गया था मध्य प्रदेश पुलिस डीजीपी सुधीर सक्सेना को मध्य प्रदेश में एक भी हुक्कर लॉन्च संचालित नहीं होना चाहिए, जिससे कि युवा पीढ़ी नशे की आदि ना हो। वहीं लगातार उसके बाद से ही मध्य प्रदेश पुलिस ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। नशा मुक्ति अभियान को लेकर चाहे अवैध रूप से संचालित हो रहे हुक्कर लॉन्च की बात हो या फिर बात हो एनडीपीएस कार्रवाई की, इस तरह की कार्रवाइयां ये लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इस तरह की भोपाल पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली हुक्का लाउंज एवं गांजा तस्करों के विरुद्ध। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद से भोपाल पुलिस जुट गई है भोपाल को नशा मुक्त कराने में, जिसके चलते अब तक राजधानी भोपाल में हुक्का लाउंजों पर लगभग पुलिस ने अपना शिकंजा कस लिया है। वहीं सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई का आंकड़ा भी 500 के पार पहुंच चुका है। बात करें तो एनडीपीएस कार्रवाई को लेकर 30 मामले अभी तक राजधानी भोपाल में दर्ज हो चुके हैं। वहीं ड्रिंक एंड ड्राइव पर भी राजधानी पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है, उन पर भी चालानी कार्रवाई कर रही है। उसमें भी लगभग 250 से ज्यादा प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। वहीं बताते चलें कि अवैध शराब विक्रय पर भी लगभग 30 मामले दर्ज राजधानी भोपाल में किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस पहल का समर्थन भोपाल में मुस्लिम समाज के उलेमा भी कर रहे हैं। इस तरह की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों की जानकारी देते हुए एडिशनल कमिश्नर सचिन अतुलकर ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेशों के बाद से ही भोपाल पुलिस भी हरकत में आई और लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। चाहे वह एनडीपीएस की कार्रवाई हो या फिर हुक्का लॉन्च पर कोई कार्रवाई हो या अवैध रूप से शराब बिक्री ड्रंक एंड ड्राइव का मामला हो, उस पर भी भोपाल पुलिस अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी ताकि भोपाल को नशा मुक्त भोपाल बनाया जा सके। न्यूज 69 के लिए भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है जो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो हुक्का लाउंजेस हैं, साथ में जो अवैध शराब का विक्रय किया जाता है, ड्रंक एंड ड्राइविंग और सार्वजनिक स्थान पे जो शराब पीते हैं उनके विरुद्ध नगरीय क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक की जो कुल कार्रवाई हुई है उसमें मुख्यतः जो कार्रवाई सार्वजनिक स्थानों पे शराब पीने वाले, लगभग 500 से अधिक कार्रवाइयाँ उसमें की जा चुकी हैं। जो अन्य प्रकरण हैं मादक पदार्थों के विक्रय के, अवैध शराब के, उसकी भी काफ़ी कार्रवाई अभी तक हो चुकी है। 30 के लगभग प्रकरण अवैध शराब के पंजीबद्ध हुए हैं और मादक पदार्थों में भी लगभग इतनी ही संख्या के प्रकरण हैं। जो कोटपा एक्ट में कार्रवाई होती है, जिसमें जो तंबाकू से संबंधित अवैध विक्रय होता है और जिसमें लाउंजेस भी कवर होते हैं जहां पे हुक्का का संचालन किया जा रहा था, वो भी जहां जहां पर सूचनाएं थी पुलिस ने कार्रवाई करी है और लगभग संपूर्ण क्षेत्र में अभी ये सूचना है कि बंद है और लगातार पुलिस उसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है। साथ ही ड्रंकन ड्राइविंग के भी 250 से ऊपर प्रकरण बनाए हैं पुलिस ने, जिसमें शराब पी के जो वाहन चलाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। क्या कार्रवाई इस तरह की जारी रहेगी? एनडीपीएस के जो प्रकरण हैं उसमें जो अभियान है उसके अंतर्गत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो प्रकरण है उसमें मुख्यतः जो ऑर्गेनाइज्ड रूप में विक्रय करते हैं या डीलिंग करते हैं, इसमें उसको उसके नेक्सस को पुलिस जो है ढूंढने का प्रयास करती है। अभी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें इस वर्ष में भी काफ़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा चुकी है, साथ ही अभियान में भी कार्रवाई हो रही है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।